तेरी जरूरत है ए पावनात्मा मां, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है ए पावनात्मा। प्यास बुझाने तू आ जा हे पावनात्मा, मैं तो प्यासी हूँ मेरी प्यास बुझाने तू आ जा हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ मुझको जोड़ने को तू आ जा हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा। चंगा करने तू आ जा हे पावनात्मा, मैं तो घायल हूँ मुझको चंगा करने तू आ जा हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा, मुझको तेरी जरूरत है हे पावनात्मा। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है,
कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। मेरे पिता प्रेमी पिता, मेरे पिता प्रेमी पिता, कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बचाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बुलाया है। कितने कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे सजाया है। कितने अनोखे प्यार से तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे बनाया है। तूने मुझे सजाया है। तूने मुझे सजाया है। मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए ये सुना, मुक्ति दिलाए ये सुना, शांति दिलाए ये सुना। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, शांति दिलाए सुना, मुक्ति दिलाए सुना, शांति दिलाए सुना। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आइए इस समय हम सभी लोग अपने कामकाज को छोड़कर प्रभु के सानिध्य में आए हुए हैं। अपने एक एक बातों के लिए, एक एक कार्यों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। आज के सुंदर दिन के लिए, सुबह से लेकर अब तक प्रभु ने हमें अपनी सुरक्षा प्रदान किया। हम प्रभु को हर एक कार्यों के लिए धन्यवाद देंगे
अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, अपने परिवार को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, इस पूरे देश को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए, प्रभु की दया और करुणा की भीख मांगते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हे अति मधुर यीशु, हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, सूली पर अपने प्राण त्याग दिए, तेरे क्रूस मरण द्वारा, तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए, आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है, जीवन का स्रोत फूट निकला है, और तेरे पवित्र हृदय से, और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए, सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा, दया का सागर उमड़ पड़ा, हे जीवन के स्रोत, हे जीवन के स्रोत अथ ईश्वरी दया, अथ ईश्वरी दया सारी दुनिया को, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले, अपनी करुणा से ढक ले, और अपना सर्वस्व, और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर, हमारे लिए अर्पित कर, यीशु के पावन हृदय से, यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए, हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में, दया के स्रोत के रूप बह निकले, बह निकले। हे रक्त और जल, हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार, मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा घर में पड़ा, कुआरी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा दे के पुनरुत्थान और जीवन पर विश्वास करती हूँ, आमीन। प्रभु का वचन कहता है, विश्वास पूर्ण प्रार्थना रोगियों को बचाती है। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के उन सभी रोगियों के लिए जो इस समय प्रभु तेरी राह देख रहे हैं, अपने रोगों के कारण चिंतित है, परेशान है। प्रभु यीशु, आज दुनिया भर में नाना प्रकार के रोगों का प्रकोप छाया हुआ है, रोगों का नाम तक नहीं पता है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं फिर भी कोई लाभ नहीं हो रहा। प्रभु यीशु, तो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वैद्यों का वैद्य है। प्रभु यीशु, तेरे लिए सब कुछ संभव है। मैं विश्वास करती हूँ कि तू इस समय हमारी प्रार्थना को सुन रहा है, एक एक रोगियों को तू देख रहा है प्रभु, उनके आंसुओं को तू देख रहा है, तो उनके आंसुओं का लेखा रखने वाला ईश्वर है। प्रभु, इस वचन की योग्यता से हम तुझ पर भरोसा रखते हुए सभी रोगियों को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख
प्रभु के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु, इस समय मैं प्रार्थना करती हूँ उन सभी संसार भर में पड़े नशे में लिप्त उन सभी भाई बहनों का जीवन आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो अपने जीवन को, अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहे हैं प्रभु, अच्छे कार्यों को छोड़कर बुरे रास्ते पर चलते हैं, बुरे कार्यों को अपनाए हुए हैं। नशे के कारण प्रभु येसु अपने घर के परिवार के लोगों की इज्जत नहीं करते, बड़े समाज में उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें मारते और पीटते हैं, जिसके कारण आज बहुत सारे परिवार टूट गए हैं, बिखर गए हैं। प्रभु, सब पर तू दया करना, उनके ऐसे स्वभाव को बदल देना प्रभु। हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि तू ऐसा करेगा, क्योंकि तूने हमसे वादा किया है। हे प्रेमी अब्बा पिता, आज संसार भर में और हमारे गांव में, हमारे आसपास में जितने भी ऐसे परिवार हैं जो नशे के कारण बर्बाद हो रहे हैं, उन सभी परिवारों को आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हुए, उन परिवारों में मुक्ति और छुटकारे की मांग करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु येसु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु, आपने अपने वचनों में कहा है, यदि तुम विश्वास करोगी तो परमेश्वर की महिमा देखोगी। प्रभु येसु, आज हम तेरी महिमा की मांग करते हुए उन सभी अपंग बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो बचपन से ही दुर्बल और कमजोर होते हैं। कितने ऐसे संसार भर में बच्चे हैं जो अपने शरीर की दुर्बलता के कारण प्रभु समाज में तिरस्कृत किए जाते हैं। उनमें लाख गुण होते हैं प्रभु, फिर भी लोग उनका तिरस्कार करते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं। प्रभु, आज उनके दुखों को तू देखना, उनके आंसुओं को मिटाना प्रभु, उन्हें भला चंगा करना, ताकि वो समाज में स्वर उठा के चल सके। हे प्रभु येसु, आज हमारे आसपास में इस प्रार्थना में जुड़े हुए जितने भी ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर से दुर्बल हैं, कमजोर हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, प्रभु आज उन पर दया करना, क्योंकि तू दयालु है, तू हर एक पर दया करता है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं जिस तरह तूने 2000 वर्ष पहले बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट किया, आज भी तू हमारे बीच में वही चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा है। प्रभु, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है, हमारी आंसुओं को देख रहा है।
प्रभु तू करेगा, हम विश्वास करते हैं। इसी विश्वास के साथ आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते उन सभी परिवारों के लिए जिन परिवारों में शादियां हैं, प्रभु ये सुविवाह के रिश्ते जुड़ रहे हैं। प्रेमी अब्बा पिता, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन परिवार में अपनी सुरक्षा देना, अपनी शांति देना। प्रभु यीशु, अपने आशीर्वाद से भरना। जो भी परिवार में कमी है, घटी, उसे तू पूर्ण करना। जिस तरह तूने काना नगर के विवाह भोज में अपनी महिमा प्रकट की, अपना चिन्ह और चमत्कार प्रकट किया प्रभु, आज ऐसे बहुत सारे गरीब परिवार हैं प्रभु, जो असमर्थ हैं शादियां करने में। हे प्रभु, आज तू उनके लिए प्रबंध करना, क्योंकि तू प्रबंध करने वाला ईश्वर है। तू सबकी लाज बचाता है प्रभु। हम विश्वास करते हैं कि तू प्रबंध करेगा, क्योंकि तूने वादा किया है, मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। हे प्रभु यीशु, आज ऐसे सभी परिवारों को आपकी ओर उठाते हुए आपसे प्रार्थना करते, उस रिश्ते को टूटने नहीं देना, क्योंकि आपका वचन कहता है, जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु यीशु, सब कुछ की सुरक्षा की मांग करते हुए आपसे प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु, आपका वचन कहता है, तुम अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारी सुधि लेता हूँ। इस वचन की योग्यता से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं संसार भर के सभी निसंतान दंपतियों के लिए, जो एक संतान के
एक संतान के तलाश में प्रभु यीशु दिन रात रोते रहते हैं, उनकी आने की खुशी मनाते हैं प्रभु, फिर भी वो असमर्थ रहते हैं। हे प्रेमी बाप पिता, आज इसी के कारण ना जाने कितने ऐसे परिवार टूट गए हैं। निसंतानता के कारण लोग भले बुरे का ज्ञान भूल जाते हैं, लोग अनावश्यक आपस में बातें करते हैं, उन्हें ताना मारते हैं। प्रभु यीशु, आज संसार भर में जितनी भी ऐसे बहनें हैं जो निसंतानता के कारण मारी जाती हैं, सताई जाती हैं, उन सभी के जीवन को आपके पवित्र हृदय में समर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं। करुणा में दयालु ईश्वर, उन पर दया करना, उनके आंसुओं को मिटाकर उन्हें अपने आशीर्वाद से, अपने वरदानों से भर देना, ताकि प्रभु वो अपने जीवन में तुझे अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर सके। उन्हें आनंद मिले, खुशियाँ मिले प्रभु, उनके झोली को भर देना। उनके कोख पे लगे एक एक बंधनों को तू तोड़ के उन्हें स्वतंत्र करना, एक एक कलंक को मिटाकर प्रभु यीशु उन्हें संतान का वरदान देना, ताकि वो तुझे धन्यवाद दे सके। आइए इस समय हम संसार भर के सभी निसंतान दंपतियों को प्रभु के पवित्र हृदय में देते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दर्दनाक दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, भाई बहने, हमारे अधिकारियों, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा, और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, अधर्म और अपराध हुए, उन्हें क्षमा कर दे, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से, अपने पावन लहू से हमें हमारे परिवारों, हमें हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का, और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर, अभिषेक कर, आप हमें अपना बनाकर, आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा, आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें, संचालित करें। आमीन, आमीन। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए यीशु के पवित्र रक्त द्वारा चंगाई के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, तूने संसार से इतना प्रेम किया, तूने संसार से इतना प्रेम किया कि उसके लिए, कि उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो, उसका सर्वनाश न हो बल्कि बल्कि उसे अनंत जीवन मिले, उसे अनंत जीवन मिले।
तेरे पुत्र के बलिदान द्वारा हमारी मुक्ति होती है, तेरे पुत्र का पवित्र रक्त हमारे पापों को मिटाता है, हमें शुद्ध करता है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके शरीर से बहे एक एक बूंद पवित्र रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के सिर से बह निकले रक्त द्वारा यीशु का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, यीशु के हृदय से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के घुटनों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, यीशु के पैरों से बह निकले रक्त द्वारा रोगियों को चंगाई मिले, आइए हम इस समय कुछ क्षण मोड़ रहकर अपने निजी निवेदनों को प्रभु को चढ़ाएं
और जिन लोगों ने हमसे प्रार्थना की मांग की है उनको याद करें, उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हर एक की मनोकामना को पूरी करें। और जितने भी निवेदन इस समय ऑनलाइन चढ़ाए जा रहे हैं प्रभु हर एक की प्रार्थना को सुने, और ताकि आने वाले समय में वह प्रभु के नाम को महिमा और साक्षी दे सके। आइए इन तमाम मतलबों को प्रभु की ओर चढ़ाते हुए हम प्रभु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तूने अपनी मंगलमय इच्छा के अनुसार अपने अनुग्रह की महिमा प्रकट की है। वह अनुग्रह हमें तेरे प्रिय पुत्र द्वारा मिला है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति अर्थात अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। तूने चाहा कि ईसा अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम विश्वास करते हैं कि यीशु ने हमारे पापों का प्रायश्चित किया है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर और उसके बलिदान की योग्यता से रोगियों के पाप क्षमा कर एवं उन्हें चंगाई दे। हम ये प्रार्थना करते हैं तेरे परम प्रिय पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हम अपने आप को प्रभु के आशीष के लिए तैयार करें। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है। हमें छुड़ाने हमें बचाने, हमें छुड़ाने हमें बचाने। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है।